स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से जनकार पार्टी सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के धर्मपत्नी और कांग्रेस नेत्री सह पूर्व सांसद रंजीत रंजन को पार्टी का राज्यसभा सांसद उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं जैसे ही इसकी खबर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मालूम चली तो सबों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज जनकार पार्टी कार्यालय मधेपुरा में जाप कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मोहन मंडल की अध्यक्षता में जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और खूब मिठाइयां बांटी। मौके पर पूर्व सांसद प्रतिनिधि रामकुमार यादव, वार्ड पार्षद इसरार अहमद ने सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर पूर्व मुखिया अजीत बिहारी और डॉक्टर अनिल अनल ने कहा कि रंजीत रंजन का कांग्रेस के प्रति समर्पण का भाव है, इसलिए राज्यसभा जैसे सर्वोच्च का उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। प्रिंस गौतम और पुष्पेंद्र पप्पू ने कहा कि कोसी जिससे पिछड़े इलाके से रंजीत रंजन कांग्रेस द्वारा राज्यसभा भेजी जा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने कोसी के लोगों की उम्मीद और हौसला को जिंदा रखा है। मौके पर पप्पू ब्रिगेड जिला अध्यक्ष भानु प्रताप, कार्यालय सचिव देवाशीष पासवान, महिला नेत्री नूतन सिंह, अंजू गुप्ता, सीताराम यादव, युवा शक्ति अध्यक्ष रामचंद्र यदुवंशी, प्रवीण कुमार पप्पू, राजकुमार यादव, वरुण यादव, कार्यालय उप सचिव शैलेंद्र कुमार, युवा रंजन उर्फ नवीन, दिलीप सम्राट, हिमांशु शेखर, छात्र विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमन कुमार रितेश, जिला अध्यक्ष रोशन कुमार बिट्टू, सामंत यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आज हमारे जन अधिकार पार्टी के लिए काफी खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हम इसके लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल जी को हम अपनी पार्टी की ओर से, माननीय सांसद जी की ओर से और मधेपुरा की जनता की ओर से उन्हें कोटि कोटि बधाई धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने हमारे बिहार ही मधेपुरा ही नहीं देश की आयरन लेडी को उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। और इसके लिए हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और माननीय पप्पू यादव को पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं। और यह हमारी पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है और हम लोग जश्न मना रहे हैं, रंग अबीर गुलाल चला रहे हैं, लोगों को लगा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। आज बेहद ही खुशी का दिन है। कोसी के तरफ से आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को पहले बधाई देता हूँ, जिन्होंने सामाजिक न्याय किया और जो दबे कुचले गरीब गुड़वे के जो सेवा में तल्लीन हमेशा अपना बाल बच्चा को छोड़ के दूसरे का जो सेवा करता है उनको सम्मान दिया है, समाज सेवा करने का लाइसेंस दिया है, इसलिए मैं तमाम कोसी और बिहार के ओर से आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और रंजीता रंजन का जो आस्था है इस पार्टी में था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरे देश के कांग्रेसियों ने देखा और कांग्रेसियों ने वो सही वर्कर और सही नेता को चुनने का काम किया। रंजीता रंजन जी को बड़े बड़े पार्टी के लोग बड़े बड़े प्रलोभन दिया, लेकिन रंजीता रंजन एक ही डाल पर एक ही घर में रहना पसंद की, चाहे उसे सत्ता मिले या नहीं मिले या पद नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आस्था बना करके रखी, उन्हीं का परिणाम है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन पर विश्वास किया, इनको राज्यसभा में बड़े ऊंच सदन में भेजने का काम किया।